आप सभी जानते हैं ना, नगर पंचायत, नगर पालिका, 200 के आसपास नगर पालिका है उत्तर प्रदेश में, और मेयर है उत्तर प्रदेश में, मेयर, मेयर का चुनाव होता है महानगर पालिका में। सभी दोस्तों को नमस्कार। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, फिर देखिए नहीं पूछ दिया। पहला पूछ रहा है कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है कहां पर है, इधर डिस्ट्रिक्ट दे दिया। लाख बहुसी अभ्यारण्य कहां पर है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, और कैमूर अब पूछ रहा है कहां नहीं है। एक बात बताइए, जो किशनपुर है हमारा वो कहां पर है? किशनपुर तो हमारा जो है लखीमपुर खीरी में, ये तो गलत हो गया। जनपद ये बलरामपुर नहीं है, गलत है, ये लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी का है। लखीमपुर खीरी के बारे में और क्या जानते हैं? ये नेपाल के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर, ठीक है। और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा क्षेत्रफल पूछे तो आप बताएंगे सबसे छोटा जो है वो आपका हापुड़ है। आपसे क्वेश्चन पूछा किशनपुर, चूंकि किशनपुर तो हो गया गलत। महावीर स्वामी कहां पर है? लखीमपुर, आपका ललितपुर में महावीर स्वामी हो गए। लाख बहुसी कहां पर है? कन्नौज। लाख बहुसी कहां है? कन्नौज है आपका। और कैमूर कहां पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में मिलते हैं, मिर्जापुर कुछ एरिया, चूंकि मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत सोनभद्र एक जिला है। और मैं शुरू में कहा हूं कि जो मंडल होंगे वो जिला भी होंगे, तो मिर्जापुर क्या है? एक मंडल भी है, तो मिर्जापुर एक जिला भी है, और विंध्याचल देवी का मंदिर भी है मिर्जापुर में, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को मिल गया होगा। तो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का, और लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में, तो चौथा स्थान है, आप सभी जानते भी हैं, कई बार बताया भी हूं। यूपी का जो पोजीशन है, यूपी का क्षेत्रफल में स्थान पूछे कि बताओ भाई एरिया वाइज कितना है यूपी, यूपी का क्षेत्रफल में अगर पूछे तो आप सर बताइए कि क्षेत्रफल वाइज देखे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल देखेंगे तो राजस्थान का है, फिर आपका एमपी का है, फिर आपका महाराष्ट्र का है, देन जो है उत्तर प्रदेश का है, और यूपी का कौन सा स्थान है? फोर्थ पोजीशन है, चौथा स्थान है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज पूछे तो पॉपुलेशन वाइज क्या हो जाएगा, तो पॉपुलेशन में यूपी का पहला स्थान है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है कि पाकिस्तान से भी बड़ा है उत्तर प्रदेश। अभी तो 2011 की जनगणना बता रहा हूं, सेंसस 2011 का है ये, और आपके सिलेबस पे भी है पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है, तो इसको भी आप जानिए। तो इसका आंसर मिल गया, कैमूर जो है आपका कहां पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद। सोनभद्र के बारे में बता ही चुका हूं, चार राज से घिरा हुआ है, पोस्टिंग मिले मना मत कीजिएगा, अच्छी जगह है, क्यों है आप सभी जान जाएंगे प्रशासन में आएंगे तो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो दुधवा कहां है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है, ऑप्शन इसका बी। और लखीमपुर खीरी के बारे में भी बताया, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है लखीमपुर खीरी एरिया वाइज, नेपाल के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश में? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो कालेश्वर जो है, चूंकि कतरनिया घाट के बारे में सुनते ही होंगे, कतरनिया घाट है, किशनपुर अभी हमने बात किया, सुरहाताल भी है, कतरनिया भी है, लेकिन कालेश्वर नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि कालेश्वर जो है राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, और 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था। जबकि कतरनिया घाट कहां है? कतरनिया घाट जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में जो है बहराइच जिला जो है, और बहराइच जैसे मैंने कहा कि बहराइच जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। किशनपुर कहां है? किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है, और दुधवा जो है टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता भी है। सुरहताल अभयारण्य कहां है? सुरहताल जो है बागी बलिया, अभी मैंने पूर्व साइड में कहा, कहां पर है? बलिया में, बागी बलिया, सुराह ताल, जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जाना जाता है। और यह भी क्वेश्चन पूछा है, लोकमान्य और लोकनायक में क्या अंतर है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं, जेपी साहब को बोलते हैं। और इस बार भी है ना, कपूरी ठाकुर बिहार के यक्ष सीएम इस बार भारत से सम्मानित हुए हैं, और यूपी के दो, यूपी में आप देखेंगे
यूपी के दो ऐसे सीएम हैं, यूपी के दो सीएम हैं जो सीएम के साथ साथ देश के पीएम भी बने हैं। एक है चौधरी चरण सिंह, नाम सुना होगा, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे हैं और देश के पीएम भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता, किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह जो यूपी के सीएम के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री होने का भी इनको गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद आया तो मैंने कहा कि आपको बता दूं। और इस बार चौधरी चरण सिंह चुनाव के पहले देखा ही होगा भारत से सम्मानित किया गया। जयंत चौधरी के बारे में जानते ही होंगे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, टिप्पणी कोई नहीं करना है। और इस बार 5 लोगों को भारत दिया भी गया है, जिसमें पीबी नरसिम्हा राव को साहब को दिया गया था, पीबी नरसिम्हा राव साहब को दिया गया था, पीबी नरसिम्हा राव को साउथ से आते हैं। कपूरी ठाकुर बिहार के एक सीएम है, कपूरी एक्सप्रेस चलती है, कपूरी ठाकुर साहब को दिया गया, बिहार से आते हैं। इसके साथ साथ हरित क्रांति के जनक जो है, ठीक है, ग्रीन स्वामीनाथन साहब, उनको दिया गया स्वामीनाथन। इसके बाद चौधरी चरण सिंह का नाम मैंने अभी लिया ही है, चौधरी चरण सिंह। और इसके साथ साथ किसको दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पितामह जिसे कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के फाउंडर मेंबर, देश के उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी साहब, इस सभी को भारत से सम्मानित किया गया है। मैं ये क्यों बताया, रिसेंट है, न्यूज है, भारत देश का सर्वोच्च सम्मान है। खेल के लिए सचिन तेंदुलकर साहब को दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। कमेंट करके बताइएगा क्या मेजर ध्यानचंद साहब को भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें चौधरी चरण सिंह चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं, किसानों के नेता हैं और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर और मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न मिलने की घोषणा किया गया है, 23 दिसंबर किसान दिवस, किसान दिवस। ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है आप सभी के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, देखो नहीं पूछ दिया ना फिर आपसे, नहीं पूछा तो देखो, पटना पक्षी विहार, नाम है पटना, लेकिन पटना जो पक्षी विहार पूछ रहा है वो पटना पक्षी विहार, नाम सिर्फ है पटना, तो बिहार वाला मत सोचना, पटना पक्षी विहार एटा में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है, पटना पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में, यह भी सही है, लेकिन ये दोनों जो हैं आपका चित्रागुंडी पक्षी विहार और उधवा पक्षी विहार, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगर मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना हो तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हैं, तीसरा है नहीं, चौथा है नहीं, तो किसको मारोगे भाई, फर्स्ट तो देखो सब में दिया हुआ है ना, तो पहला तो सही था। तो देखिए चित्रागुंडी पक्षी विहार कहां पर है, तो चित्रा जैसे नाम ही इतना टेढ़ा है, चित्रागुंडी पक्षी विहार तमिलनाडु में है। और आपका उधवा पक्षी विहार कहां पर है, उधवा जो है आपका झारखंड में है, ये भी याद रखिएगा। आजकल इस तरह के प्रश्न भी देखिए आरएफओ में, मेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र, क्योंकि पहले का रिपोर्ट है 2004 का क्वेश्चन है, तो वो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब लेटेस्ट पढ़िए। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो 1 से लेकर 7 जुलाई उत्तर प्रदेश में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। वनों को लगाइए, वृक्षों को लगाइए और रिकॉर्ड बनाइए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश दिवस का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जैसे मैंने कहा कि 24 जनवरी 1950 को जो है इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि 24 जनवरी का वो दिन था, इसीलिए जब से नई सरकार आई है तो उन्होंने कहा है 2018 से लगातार जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। कब से, 2018 से लगातार क्या मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश यूपी दिवस मनाया जा रहा है, यूपी दिवस। ये भी क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल सीएम में किसका रहा है, तो अब हो गया योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आ गया कि 1 से 2 से संबंधित करिए। चलिए, नवाबगंज पक्षी विहार दिया है, ओखला दिया है, समसपुर दिया है, पार्वती दिया है, मुझे एक चीज का जवाब बताओ, नवाबगंज जो पक्षी विहार है वो कहां पर है, नवाबगंज जो पक्षी विहार है वो आपका है उन्नाव में। ठीक है, ओखला जो है, चूंकि अभी मैंने कहा कि नोएडा का फुल फॉर्म में क्या है, न्यू इंडस्ट्रियल, एन फॉर न्यू, ओ फॉर क्या है, ओखला, न्यू ओखला, सॉरी नोएडा का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, नोएडा, एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओखला, आई फॉर इंडस्ट्रियल, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी, यही बताया। तो कहां होगा ये, तो होगा सर गाजियाबाद में होगा।
चलिए, तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो नवाबगंज पच्छी बिहार जो है वो उन्नाव में है, यानी कि एक का दो हमारा सही हो गया। देखते हैं क्या एक ही आंसर पता है, आंसर आ रहा है क्या? देखो दो इसमें है, दो इसमें है, इससे कंफर्म हो गया ना तो हमारा सी सही है ना तो हमारा डी सही है। अब हमारा ओखला पता कर लेते हैं, ओखला पक्षी विहार, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग अगर किए होते, नोएडा का फुल फॉर्म आपको पता होता तो यन फॉर न्यू था, ओ फॉर ओखला ही था, और यहां पर कौन ओखला में दे रहा है, गाजियाबाद। तो चलो भैया कोई बात नहीं, ओखला हो जाएगा हमारा सी, कौन सा हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड। देखो आ जा रहा है क्या आंसर, देखो बी का थर्ड, जैसे ही मैंने दो ही पता किया देखिए आंसर आ गया, सीधे आंसर आ गया, सीधे आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्वती अर्घा कहाँ है, गोंडा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवाबगंज पश्चिम विहार कहां पर है, अभी फिर क्वेश्चन वो रिपीट, नवाबगंज पश्चिम विहार कहां पर है, उन्नाव में है, कानपुर के बगल में है, कानपुर में गंगा नदी है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से फिर वही क्वेश्चन, एक बात बताओ असम सिमलीपाल कहां है, तो सिमलीपाल सर उड़ीसा में है, यानी कि सी का थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड तो इसी में दिया हुआ है, सी का थर्ड इसमें दिया है, यानी कि हमारा डी गलत हो जाएगा और हमारा यहां पर सी गलत हो जाएगा, ठीक है। बांदीपुर कहां है, बांदीपुर कर्नाटक में, यानी कि डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट किसमें दिया है सर, डी का फर्स्ट तो इसमें भी दिया है और डी का फर्स्ट, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है। और राजा जी, चूंकि मैंने अभी बात ही किया, राजा जी जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है राजा जी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा, मानस असम हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का चार हो जाएगा, मानस असम हो जाएगा, बी का चार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मानस असम हो जाएगा, तो आंसर क्या, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में। अच्छा जी, संत कबीर नगर याद रखिएगा, मगहर का नाम तो सुना होगा, कबीरदास जी से रिलेटेड है, संत कबीर नगर जिसका मुख्यालय खलीलाबाद में है, संत कबीर नगर गोरखपुर के बगल में है, बस्ती के बीच में है, गोरखपुर बस्ती, गोरखपुर मंडल है, तो बस्ती भी मंडल है और खलीलाबाद जो है संत कबीर नगर एक जिला है। अगर हम बात करें भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, चलिए पक्षी सेंचुरी भरतपुर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, इससे पूछ रहा है कि भैया कौन सुमिलित नहीं है, तो भैया जब भी डॉल्फिन की बात आए तो आप चले जाइएगा पटना, तो आंसर ए क्या है, गलत है, कभी भी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डॉल्फिन सेंचुरी जो कि बिहार में है, भागलपुर में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी, देखिए जब बब्बर शेर सफारी आई थी काफी उस समय चर्चा में था कि सफारी बब्बर शेर आई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पहला ऑप्शन है बलरामपुर में, दूसरा है इटावा में, तीसरा है महाराजगंज में, चौथा है पीलीभीत में। माय डियर एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, नेपाल 7 जिलों से सीमा साझा करता है और 7 में से 3 का नाम तो यहां दे दिया, बलरामपुर नेपाल से कर ही रहा है, महाराजगंज कर ही रहा है, पीलीभीत कर ही रहा है, इटावा नहीं कर रहा है, मार क्या हो नहीं आंसर पता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, चूंकि बब्बर से सफारी कहां पर है, इटावा में है और इटावा जो है एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इटावा चूंकि नेताजी, इस देश में दो ही नेताजी रहे हैं, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा हमारे नेताजी, हमारे नहीं हम सबके मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बब्बर शेर सफारी हो गया इटावा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वन आच्छादित है, चूंकि पुराना पूछे सर्वाधिक पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी सोनभद्र, सोनभद्र काफी वन है वहां पर, ठीक है याद रखिएगा, सोनभद्र है आपका, चंदौली है, पीलीभीत है और मिर्जापुर है, याद रखिएगा सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन, सुराहा ताल, सुराहा ताल जो जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जाना जाता है सुराहा ताल, तो सुराहा ताल जो है वो कहां पर है, ताल जो है वो आपका है बलिया में, ऑप्शन डी हो जाएगा सुराहा ताल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां बन रहा है, तो लायन सफारी जो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में वो बनाया जा रहा है इटावा में, ऑप्शन हो जाएगा डी, गोरखपुर में होगा नहीं, ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी चल रहा है, गोरखपुर है नहीं, गोरखपुर में राप्ती नदी है, गीता प्रेस है गोरखपुर में, गोरखपुर में 4 जिले हैं, कुशीनगर है, महाराजगंज है, देवरिया है और गोरखपुर मंडल है, तो जिला भी है, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो जो है चौरी चौरा गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है आरओ एआरओ 2013 के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक चीज और कि भारत की पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया में स्थापित की गई प्रतापपुर में, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, देवरिया में 14 चीनी मिले थी,
और यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी विहार, दूसरा है वेदांथल, तीसरा है घटप्रभा, चौथा है जैकवाड़ी। इसका सही जवाब है समसपुर पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश में है। बाकी टेढ़ा नाम है तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश में होंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में जो पक्षी विहार होते हैं सिंबल नाम होता है उनका समसपुर। वेदांथल कहां पर है? तमिलनाडु में है। चंद्रप्रभा घाटप्रभा जो है कहां पर है? कर्नाटक में है। और जायकावाड़ी पक्षी विहार कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है कि किस जिले में स्थित है? दुधवा के बारे में अभी हमने चर्चा किया, तो लखीमपुर खीरी में। एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। एरिया सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का, सबसे छोटा अगर पूछे तो हापुड़ है। और इसके साथ साथ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान चूंकि लखीमपुर खीरी मैंने कहा और ये नेपाल के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करें कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर है? तो चंद्रप्रभा के बारे में अभी हमने बात किया 1957, अभी हमने बात किया 1857 के महाविद्रोह से 100 साल जोड़ लीजिएगा 1957 आएगा। और 1957 में चंद्रप्रभा जो है वन्यजीव विहार जो कि आपका चंदौली में है, और चंदौली जो है इस समय जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है उनका गृह जनपद भी है चंदौली, याद रखिएगा। और राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के एक्स सीएम भी रहे हैं और उनके बेटे हैं पंकज सिंह जो नोएडा से विधायक भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जितना मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा उसको भी अगर सुनेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे। वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये पूछा है। अभी हमने बात किया ना चंद्रप्रभा, ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रप्रभा के बारे में अभी हमने चर्चा किया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश निगम कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 1974 को, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, नगर निगम जहां मेयर का चुनाव होता है। आप सभी जानते हैं ना नगर पंचायत नगर पालिका 200 के आसपास नगर पालिका है उत्तर प्रदेश में, और मेयर है उत्तर प्रदेश में, मेयर का चुनाव होता है महानगर पालिका में, जैसे गोरखपुर हुआ, कानपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, बनारस हुआ, महानगर पालिका इसे कहते हैं। ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि सर कि वन उत्तर प्रदेश वन निगम, अच्छा वन निगम पूछा है इसमें, तो 25 नवंबर 1974 याद रखिएगा, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। हम चूंकि नगर निगम समझ गए, तो नगर निगम अगर मान लीजिए पूछ भी दे नगर निगम तो 17वां नगर निगम जो बना है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा नगर निगम पूछे तो नगर निगम अगर याद रखिएगा सबसे 17वां लेटेस्ट जो बना है वो बना है शाहजहानपुर। शाहजहानपुर एक एक्टर है राजपाल यादव, शाहजहानपुर के ही है। चलिए ये इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को दे दिया। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये लास्ट ही क्वेश्चन है आज का, कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला है सरिस्का, सरिस्का कहां से हो जाएगा? दूसरा है अमनगढ़, दूसरा है जिम कार्बेट, चेन्नई पन्ना। भाई जिम कार्बेट तो चला गया हमारे उत्तराखंड में, पहले तो अपने में ही था, लोग घूमने जाते हैं, हम भी गए थे। एमपी जो है पन्ना हीरा सब जानते हैं, ये भी हो गया, तो ये दोनों तो होगा नहीं। सरिस्का राजस्थान में, ये तो होगा नहीं, तो बचा अमनगढ़ जो है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं। आज के लिए इतना ही हम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होंगे क्योंकि यूपी की दो बड़ी परीक्षाएं हैं आपके सामने, उत्तर प्रदेश पीसीएस अपर पीसीएस जो कि अक्टूबर में है, और इसके साथ साथ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि RO ARO रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसका पेपर आपका री एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। काफी बड़ा पोस्ट है, 550 यानी कि 550 से ज्यादा पदे हैं इस बार समीक्षा अधिकारी के। और जो अपर बीसीएस का पेपर हो रहा है इसमें जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा, अभी जो न्यूज है 850 प्लस पोस्ट अभी तक चल रहा है, 2018 के बाद सबसे ज्यादा पोस्ट जो है उत्तर प्रदेश में इस बार आई है। तो कमर तोड़ मेहनत कीजिए और मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।